Hey guys, welcome back to my channel, That's Scholar Girl, and I'm Kangsha. So guys, आज की इस वीडियो में मैं बहुत खराब शैम्पू को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ. मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप भूल कर भी ये शैम्पू परचेस ना करें. मैं बात कर रही हूँ हिमालयन ऑर्गेनिक्स के एलोवेरा शैम्पू की, जो कि इस टाइप के पैकेजिंग में आता है. इस ब्रांड के मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हिमालयन के कुछ प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूं. तो मैंने इसका एलोवेरा शैम्पू लिया, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज किया. जस्ट अभी मैंने इस शैम्पू को यूज किया. सिर्फ एक बार यूज करने के बाद मेरे बालों की इस शैम्पू ने जो हालत की, उसे देख कर मैं ये वीडियो को बनाने से अपने आप को नहीं रोक पाई. अभी तक मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज किया, कुछ मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ मुझे खराब लगे हैं, बट गाइस इतना वाहियात शैम्पू, इतना वाहियात प्रोडक्ट मैंने आज तक लाइफ में यूज नहीं किया. आपको एक बात जान के बहुत खुशी होगी, इस एलोवेरा शैम्पू में इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो एलोवेरा है वो सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट है. जी हाँ गाइस, एलोवेरा इस एलोवेरा शैम्पू में फ्रेग्रेंस के बाद और कलर से पहले यूज किया गया है, और वो भी हमें नहीं पता कि वो एलोवेरा जूस है, एक्सट्रैक्ट है या एलोवेरा जेल है. इस बारे में भी कुछ नहीं पता है. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो ब्रांड है, जो इसका मेन की इंग्रेडिएंट है, लाइक एलोवेरा के नाम से जो शैम्पू ये बेच रहे हैं, उसमें एलोवेरा फ्रेग्रेंस से भी कम है, सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट है. अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की. तो गाइस मैंने अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा शैम्पू में 4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की डाल के अपना हेयर वॉश करती हूँ. वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं काफी टाइम से, शायद इस पूरे साल से, 1-1.5 महीने से मैं इंदुलेखा यूज कर रही हूँ, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने बस आज ही ये लिया, यूज किया, क्योंकि मेरे पास नया प्रोडक्ट ये आया था, मैंने परचेस किया था. इसके बाद ना जब मैंने अपना इसे हेयर वॉश किया, तो वो जो शैम्पू है वो मेरे बालों से निकला ही नहीं, मेरे बाल पूरी तरीके से जुड़ गए, बहुत ज्यादा मुझे हेयर फॉल हुआ. और उसके बाद जब मैं वापस आई हेयर वॉश करने के बाद, मेरे बालों में तेल एज इट इज था, तेल मेरे बालों से इस शैम्पू ने निकाला ही नहीं, इतना हेयर फॉल हुआ. इसके साथ साथ गाइस, शैम्पू के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बाल साफ हो जाएंगे, लेकिन शैम्पू के बाद मेरे बाल और भी ज्यादा मुझे गंदे लग रहे हैं. जितनी बार भी हाथ लगाओ ना बालों को, ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ चिपक गया है. तो इस शैम्पू में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक गंदी सी लेयर आपके बालों में चिपका देते हैं, आपके बाल एकदम जुड़े जुड़े लगेंगे, हद से ज्यादा आपको हेयर फॉल होने की संभावना है. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा हेयर फॉल काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, मैं सप्लीमेंट्स ऐसे यूज करती हूँ, और जो मैं हेयर ऑयल और शैम्पू अभी तक काफी टाइम से जो मैं यूज करते आ रही थी, वो सारे प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे थे. बट ये शैम्पू एलोवेरा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में फ्रेग्रेंस के बाद और कलर से पहले यूज किया गया, सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है. उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो क्लेंजिंग एजेंट होते हैं वो सब यूज किए गए, कुछ गम यूज की गई है. इसका जो फॉर्मुलेशन है वो भी कुछ खास नहीं है. ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, 100% वेगन है, एंड फॉर्मुलेटेड इन कैनेडा है. जी हाँ गाइज, ये जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मुलेटेड इन कैनेडा है. तो ये ही मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना था कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है. वैसे इसमें पैराबिन और सल्फेट नहीं है, तो सल्फेट नहीं है इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये माइल्ड शैम्पू होगा. लेकिन मैं जितने भी शैम्पू आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ या फिर मैं पर्सनली यूज करती हूँ, वो सारे के सारे सल्फेट फ्री होते हैं. तो बस मुझे इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही बताना था, ये कोई ज्यादा डिटेल लंबी वीडियो नहीं है, कि इस शैम्पू से आप पर्टिकुलरली दूर रहिएगा. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय.